हमने पिछली क्लासेस में ओपीडी तैयार किया था और वो ओपीडी हमारा रिकॉर्ड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, जो भी पेशेंट ओपीडी में आया है, जो भी उसकी फीस स्लिप बनी हुई है, वो अमाउंट भी यहाँ पर आ गया है। अब हम एक तो ओपीडी का स्लिप बनाना है हमें, वो डिजाइन करना है। ठीक है, दूसरा ओपीडी को आईपीडी में कन्वर्ट करना है। यदि पेशेंट ने कहा कि हमें इनका ओपीडी बनवाना है, आईपीडी बनवाना है, तो कैसे काम करेगा? ये ऑटोमेटिक आ गया था कल का, तो कॉपी पेस्ट किया होगा हमने सर। ओपीडी नंबर हम डालें, हमारा ओपीडी नंबर क्या आया है? ओपीडी नंबर 201 है, तो हम यहाँ पर डालें 201। नहीं आया, देखिए ये रिकॉर्ड तो हमने कॉपी पेस्ट किया था, है ना? तो हम क्या चाहते हैं कि ओपीडी यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाए, क्योंकि सॉरी आईपीडी के लिए जो ओपीडी बना है उसी का आईपीडी बनाना, तो हम आईपीडी में पूरा डिटेल फीड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो यहाँ नंबर डालें तो पैसेंट वगैरह का पूरा डिटेल आ जाए। तो इसके लिए तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? वी लुकअप, है ना? वी लुकअप करते हैं ना, तो हम पेशेंट का नाम लाने के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं इक्वल वी लुकअप। किसके आधार पर? इस ओपीडी नंबर के आधार पर। ठीक है, कॉमा, कहाँ से डेटा आए? तो डेटा है हमारा ओपीडी से। ठीक है, ओपीडी में ये कॉलम इंडेक्स नंबर है, यहीं से हम सिलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। इन फ्यूचर हो सकता है कहीं और भी हमें लगाना हो, तो आगे आप एक्स्ट्रा रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कहाँ तक? तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देना, ये पूरा जहाँ पहले रिसेंटली यूज़ किया गया 2000 रिकॉर्ड वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ये यहाँ पे देखिए 207 आ गया। फिर हमें क्या लगाना है? 2072 आ गया, कॉमा लगाया। क्या बोल रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर किस कॉलम का हमें वैल्यू चाहिए, नाम किस कॉलम में है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो पेशेंट का नाम है हमारा ये कॉलम 1 2 3 4, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा हमारा 4, कॉमा 0 कोष्टक 1, एंटर। ठीक है, तो क्या दिया? पेशेंट नेम हैज नाउ 201। क्यों, ऐसा क्यों? 201 में कोई 32 वैल्यू, उसमें नाम तो नहीं, 32 है तो 32 आना चाहिए था। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से B1 से हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर से देखें इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाली कॉमा, ओपीडी यहां से हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आप सिलेक्ट ना करो तो नंबर भी डायरेक्ट डाल सकते हो, 6000 हमने डाल दिए थे, कॉमा 1 2 3 4, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 कोष्टक 1, एंटर। अभी भी भेजना, असल में ये वैल्यू हमारी इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल,
यहाँ चेंज कर रहे तो वहां नहीं, वहां से मतलब थोड़ी ना है। हमारी वैल्यू कॉम्बिनेशन से बनी है। टेबल अरे कॉमा कॉलम इंडेक्स डेटा असल में ये फंक्शन में है। यहाँ पर वैल्यू हमारी फंक्शन में है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट हम करके देखते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आई है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू हमारी देन कोमा टेक्स्ट के लिए क्या फॉर्मेट था, टेक्स्ट किस फॉर्मेट में चाहते हैं। हमें हमारे उसमें देखना पड़ेगा, टेक्स्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा मिस हो गया। वैल्यू का फॉर्मेट है शायद एरर।
क्या कौन सा चार नंबर? आपने डाला सर कोमा चार कोमा जीरो तो चार के साथ वन नाम टू थ्री फोर बिलो कब लगाए तुम? क्या सर नंबर सर नहीं हो गया बिलो कब? तो नंबर होता है वो, तो उसका जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका कॉलम इंडेक्स नंबर ही है, ठीक है? इशू वो नहीं है, इशू इसके डेटा का है। यदि ये नंबर टाइप होगा ना तो अभी उठा के दे देगा। हमने फॉर्मूला से कॉम्बिनेशन से बनाया है तो ये वैल्यू ऑफ फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एज ए नंबर ओनली। वो उसको वैल्यू में नहीं समझ पा रहा है, इस कारण से एरर जनरेट कर रहा है। बाकी आप क्या यहाँ 1 2 3 नंबर देना चाह रहे हो? वो लिखने की जरूरत इसलिए होती है कि हमें याद ना रखना पड़े, इसलिए वो भूल जाओ। कल आया था? कल का किया रिकॉर्ड हो गया कल का? वीलुकअप तुम्हारा वही है पुराना वाला, एंड उसमें तो 1 2 3 4 नहीं भी दोगे चल जाएगा, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि ये हमने कॉम्बिनेशन से बनाया है इसलिए ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं ना। 201 की वैल्यू हमें 32 चाहिए बस। वैल्यू का फॉर्मूला काम कर जाएगा शायद। आगे वो मिस हो रहा था, एक फॉर्मूला और यहाँ पे है वैल्यू। असल में क्या होता है ये एक, आ, आ, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ऐसी समस्या है जो हर कोई इसको आसानी से पकड़ नहीं पाता है, जो सामने से आकर के नहीं आती है, ठीक है? समस्या क्या है कि जब आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, यहां पर ने हमने क्या किया, ऑटोमेटिक नंबर को जनरेट करने का फॉर्मूला लगाया, तो इसने क्या करा, कॉम्बिनेशन से वैल्यू तो शो कर दी। वो शो करने का काम कौन कर रहा है? फॉर्मूला कर रहा है। लेकिन जो सिस्टम को वैल्यू जनरेट करना चाहिए वो वैल्यू में नहीं है। इस वैल्यू का अस्तित्व कब तक है? जब तक यहां पर कोई नाम है। उदाहरण के तौर पर आपने कॉपी पेस्ट किया, यहां से डेटा उठाया, और मैं फिलहाल के लिए यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ। नॉर्मली कॉपी नहीं हुआ सर, कॉपी किया और यहां पर आपने नॉर्मली इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? यानी इस डेटा का अस्तित्व कब तक है? जब तक ये है। यदि यहां पर विद फंक्शन है, यदि यहां से कोई फंक्शन आपने डिलीट कर दिया, हम जो पेस्ट करते हैं ना उस वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको
हमने नॉर्मली कॉपी किया, जो पेस्ट करते हैं आप, तो फॉर्मूला फॉर्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग, ट्रांसफो वैल्यू फॉर्मेट, नॉर्मल पेस्ट में फॉर्मूला आएगा कि नहीं? देखो फॉर्मूला आया है बिल्कुल, यहाँ पे फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला है। यानी इससे क्या होगा कि यदि ये वैल्यू कहीं पर हमारी वैल्यू है एल, अरे ये तो कुछ फॉर्मूला कुछ और ही बता रहा है, एल 18 यदि, तभी तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना। हमें देना है, अच्छा इसको देख रहा है फॉर्मूला के साथ में, वो इसको देख रहा है, एल 18 ब्लैंक हो। हमने कॉपी पेस्ट किया तो वो इस एल 18 को देख रहा है, ये ब्लैंक हो तो ब्लैंक का, यहाँ पे जब फॉर्मूला आपने किया। अब आपने यदि इस वैल्यू को यहाँ पेस्ट किया है और एल 18 की वैल्यू दिया तो ये हैज वैल्यू आ जाएगा। यानी क्या हुआ, जब आपने इसको पेस्ट किया तो एज ए ये फॉर्मूला विद टेक्स्ट आया है। यानी ये डिपेंड किसके ऊपर है, इसके फंक्शन के ऊपर है। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू डिलीट किया तो फॉर्मूला भी उसके आधार पर काम कर रहा है। लेकिन कई मामलों में हमें क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए रहती है, तो हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अभी यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट में गए और एज ए वैल्यू पेस्ट किया। अब आप भले ही इस वैल्यू को, ये नंबर को हमने डिलीट किया था वहां पर, इस वाले नंबर को हम डिलीट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें हमने जब डिलीट किया तो हैज वैल्यू आ गया था अभी यार यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा क्या हुआ था, फंक्शन के साथ में पेस्ट हुआ था, यानी फंक्शन विद टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट हुआ था। अब जब आप यहाँ ऑटो नंबर जनरेट करने का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है कि ये वैल्यू तो आपको दिखा देगा, लेकिन फंक्शन के लिए, कौन सा फंक्शन, वी लुकअप, उसके लिए जो वैल्यू फंक्शन ने जनरेट की है असल में वो वैल्यू है ही नहीं, वो वायक फंक्शन है और उस फंक्शन के साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है वी लुकअप का। तो हम सब कुछ चेक करते हैं कि वी लुकअप चल क्यों नहीं रहा है। ऐसा हमारे साथ में पहले घटित हुआ, जब हमने देखा ये फंक्शन है तब जाकर के फिर हमने वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। तो मैं इसके पहले लगा रहा था टेक्स्ट फॉर्मूला, जो माइनस स्लैप स्लिप हुआ था वो ये कि टेक्स्ट फॉर्मूला, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूला की फॉर्मेटिंग क्या हो तो नंबर में नहीं लेता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है इस फंक्शन ने दिया, इफ यदि सी थ्री ब्लैंक हो तो ब्लैंक का, नहीं तो राइट से सी थ्री की वैल्यू ले, सी थ्री में से दो नंबर ले, ए थ्री में से एक नंबर ले, ए थ्री की वैल्यू ले, तो जो नंबर आया है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, उसको एक फॉर्मूले में ना रहते हुए उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। तो अब ये एक वैल्यू हो गया है। अब जब ये वैल्यू वी लुकअप के पास जाएगा तो वी लुकअप इसको मैच कर पाएगा और फिर ये वैल्यू जनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला वी लुकअप का यहाँ सही है, यहाँ कोई इशू नहीं है, और मैं यहाँ चेक भी नहीं कर रहा था इसको, मैं सिर्फ सीधे कहाँ चेक कर रहा था, यहीं पर चेक कर रहा था, और ये भी कंफर्म था कि इसमें ये फंक्शन है ये वैल्यू नहीं ले पा रहा। लेकिन जो मिस हुआ था वो ये कि वैल्यू का फॉर्मूला, इसके लिए हमें पुरानी सीट पे जाना पड़ा, तो देखना पड़ा कि उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू का फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे कि जो फंक्शन ने नंबर जनरेट किया उसको एक वैल्यू वो समझ ले, जब वो वैल्यू समझ पाएगा तो वी लुकअप इस वैल्यू के आधार पर इस फंक्शन को उठा पाएगा। अब यहाँ आ रहा है हैज वैल्यू, हैज वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि इफ एरर जो है ये नहीं लगा, यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगा है, ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला लगे। अब ब्लैंक हो तो ब्लैंक आ जाए वो वाला मामला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है तो ब्लैंक को जो वैल्यू वाला फॉर्मूला है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है किसमें, वैल्यू में, क्योंकि वैल्यू का फॉर्मूला क्या चाहिए, ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, वैल्यू का फॉर्मूले को वैल्यू ही चाहिए। जो वैल्यू फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा तो वो हैज वैल्यू देगा, क्योंकि हमने क्या कहा इफ एरर को बड़ी आसानी से बता दिया कि यदि ब्लैंक हो तो ब्लैंक दे, तो उसने ब्लैंक दे दिया, वो ब्लैंक लेकर के किसको दिया, वैल्यू वाले फॉर्मूले को। अब वैल्यू वाले फॉर्मूला चाहिए कि मुझे ब्लैंक चाहिए नहीं, मुझे तो वैल्यू चाहिए, वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू के पहले हमने एक कंडीशन लगाया कि वैल्यू तभी आए जब यहाँ कोई नाम हो, जब यहाँ कोई वैल्यू मिली इसको, इसमें नहीं होगा शायद, हमने ईयर वाले में लगाया होगा, वैल्यू मिलते ही उसने जनरेट कर दिया। लेकिन जब वैल्यू नहीं थी तो फिर वैल्यू का फॉर्मूला क्या करेगा, इफ का फॉर्मूला तो अपनी जगह काम कर रहा है कि ब्लैंक दे, लेकिन वैल्यू वाला फॉर्मूले को कहा जा रहा है कि जो भी डेटा टेक्स्ट मिले उसको एक वैल्यू समझे,
लेकिन कोई वैल्यू है ही नहीं, ब्लैंक है, तो ब्लैंक को किस वैल्यू में वो ले, तो फॉर्मूला फॉल्स हो गया। जब फॉर्मूला फॉल्स हुआ तो उसने हैज वैल्यू कन्वर्ट कर दिया। अब इस हैज वैल्यू को लूप करने के लिए हम यहां पर इफ एरर का फॉर्मूला असाइन कर देते हैं कि यदि ऐसा आए तो क्या करें। तो जो भी एरर आए उसको असाइन करने के लिए, मामला गड़बड़ हो गया, उसको असाइन करने के लिए हम यहां पर वैल्यू के पहले लगा देंगे इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर को बोलेंगे कि यदि वैल्यू हो तो वैल्यू ही आए, तो वैल्यू का फॉर्मूला वैल्यू उठा के लेके जाएगा, नहीं हो तो क्या हो, तो लास्ट में बोल देंगे कि नहीं मिले तो हेज वैल्यू नहीं दिखाए, ब्लैंक छोड़ दो उसको, वो बात हम निपट लेंगे, उसे तुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि हेज वैल्यू है, ब्लैंक छोड़ दे, हम समझ लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे आप इसको डाल करके डबल क्लिक करेंगे, यानी फॉर्मूला किस टाइप से काम कर रहा है, इफ का फॉर्मूला, फिर इफ में ब्लैंक हो तो ब्लैंक क्या, ये बात खत्म होकर के राइट से वैल्यू ले ले, A3 की वैल्यू ले ले, नंबर जनरेट हो जाए, नंबर जनरेट हो जाए अब तो वैल्यू कन्वर्ट कर दे और वैल्यू दे दे, लेकिन नहीं हो तो हमने इफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया कि वैल्यू तो सिर्फ क्या करना, जो वैल्यू आए उसको वैल्यू में दे देना, बाकी को ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है, ये नंबर जनरेट होगा। ये नया कंसेप्ट है शायद आप लोगों के लिए, ठीक किया था ये पहले ऐसी समस्या, वैल्यू का फॉर्मूला किया था नहीं किया था, तो ये आपको सेकंड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाले में भी तो आया होगा, ऑटोमेटिक जनरेट होने वाले में, वहां पर भी तो वीलुकअप लगाया होगा आपने, उसमें एरर नहीं दिया उसने, वो तरीका दूसरा होगा, उसमें टेक्स्ट वैल्यू दी होगी आपने, कॉम्बिनेशन डी से पीजी से दिया होगा आपने, हाँ कुछ दिया होगा तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया होगा उसने, ठीक है ना। अब यहाँ टेक्स्ट का इशू था, चलिए तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, है ना, बड़े आगे। चलिए तो यहां पर अब देखिए यहां सभी जगह आप क्या लगा देंगे, वीलुकअप, ठीक है, तो सारी वैल्यू उठा लेगा, तो वीलुकअप को क्या करेंगे आप कॉपी कर लें, पर अभी भी कॉपी करने के पहले एक और चीज, हमें दो तरीके से वैल्यू चाहिए, या तो इस नंबर से चाहिए, लेकिन यदि ये ना हो तो मोबाइल नंबर से चाहिए, पेशेंट का मोबाइल नंबर डालें तो आ जाए, तो हम यहां पर पहले मोबाइल नंबर डाल देते हैं पेशेंट का, पेशेंट का मोबाइल नंबर, अब मैं अपना मोबाइल नंबर लेकर चलूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा नाम भी इसमें ऐड है, तो हमने डाला 88, यानी दो में से एक चीज कोई भी, या तो ये हो या ये हो, ठीक है ना, तो हम क्या करें कि ये नंबर डाल करके इसे निकाल लें, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए हम यहां पर ओपीडी नंबर सर्च कर लें, क्यों, क्योंकि यदि इस नंबर से हम वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप बड़ा बेकार फॉर्मूला इस मामले में, क्योंकि मोबाइल नंबर यहां है तो यहां से इधर की वैल्यू तो दे देता है, लेकिन इधर की वैल्यू नहीं देता, ये वर्टिकली चलता है। अब ऐसी स्थिति को संभालने के लिए हम ये नंबर निकाल लें, मोबाइल से क्या निकाल लें, उसका ओपीडी नंबर निकाल लें। ओपीडी नंबर निकालने के लिए हम यहां पर लगाते हैं डी गेट का फॉर्मूला, डी गेट, ठीक है, डी गेट को क्या चाहिए, डेटाबेस, तो हम चले जाते हैं डेटाबेस में, यहां से हमने पूरा डेटाबेस दे दिया, पूरा ही सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं, डी गेट में कर सकते हैं हम, कोमा, डेटाबेस के बाद क्या मांग रहा है, फील्ड, किस फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हमें बी वाले फील्ड की वैल्यू चाहिए, कोमा, फिर क्या बोल रहा, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया तो हमारा इस सीट पे है, इस सीट पे क्या है, मोबाइल नंबर, ये वाले मोबाइल नंबर, लेकिन यहाँ पेशेंट मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर, अब इसको भी फील्ड ऐसी फील्ड चाहिए यहीं पे लिखा हो और यहाँ पे उसकी वैल्यू, ऐसा वैल्यू चाहिए रहता है इसको, ठीक है, यानी फील्ड और उसकी वैल्यू, तो ये यहाँ के डेटाबेस में सर्च करेगा। तो हमने क्या किया, एक सेल ये वाली, क्या हो गया बाबा, क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया वो कहीं दूसरे ऑप्शन पे सिलेक्ट हो गया होगा, क्योंकि इसका एरिया भी है ना यहाँ पे, वो वर्ड आर्ट लिया है तो वर्ड आर्ट का क्राइटेरिया लाइनिंग आती है ना, उसका स्पेस होता है, तो उसको क्लिक करने गए, उसको क्लिक करने गए तो एक्सेल में बना करते, बोले ये क्या वाला है,
ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, आत्माएं हैं, है ना। बोले सर हो ही नहीं रही हो, तो ये वही चीज है, खूब करोगे नहीं होगा, क्यों? ये तो समझने वाली बात है कि यहां ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलो तो हमने ये सिलेक्ट किया क्राइटेरिया, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, हैज वैल्यू दिखा दिया इसने। हैज वैल्यू का कारण, क्योंकि हमारे ओपीडी में यहाँ क्या डाला है, मोबाइल नंबर में एमओ हैज डाला है, तो ये एमओ हैज की वैल्यू देगा, ना कि पेशेंट मोबाइल की। तो हम इस फील्ड का नाम क्या देते, देखो ये वाली लाइन की बोल रहा हूँ मैं, ये अब आ गया, ठीक है। वर्मा जी, क्या वर्मा ही ना, वर्मा जी क्यों भैया उबासी वगैरह क्यों आ रही है, चाय वाय पी के आया करो यार। मोबाइल हैज स्टार है, सॉरी, तो मोबाइल स्टार, ठीक है। और इसके आधार पर हम इसकी वैल्यू चाहते हैं, तो इस मोबाइल के नंबर पे 202 इसको दे देना चाहिए था, लेकिन इसको इसने 7 6 4 2 7 6 8, हमारा मोबाइल नंबर तो सही है, 9 7 7 0 4 2 7 6 8, और यहाँ पर क्या है, मामला तो सही है। फिर से लगा के देखते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं। इक्वल डी गेट डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा ओपीडी है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आगे हम 0 0 दे देंगे, शायद हमने सिलेक्शन में हो सकता है कि क्योंकि फील्ड हमने नहीं सिलेक्ट किया था, हम पूरा सिलेक्ट कर चुके थे, तो ये हम देंगे। फिर बोल रहा है फील्ड, किस फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए इस वाली फील्ड का वैल्यू, ओपीडी B1 का, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा ओपीडी आईपीडी में मोबाइल नंबर और ये नंबर है, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये आगे दोस्तों। अब यहाँ पर वो एमओ लिखा है ना, उसको हमने छिपा दिया, वो लिखा हुआ है पर उसका फ़ॉन्ट का कलर सेम कर दिया है, इसलिए है दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हमने कर दिया, क्योंकि ये हमारी फंक्शनलिटी है, हमें उसको नहीं दिखाना है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि पेशेंट मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है और मो हैज मो स्टार क्यों लिखा है, मो स्टार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मोबाइल स्टार लगा है, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड था, तो हमने ऐसा कैसा ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। तो जैसा यहाँ लिखा है ऐसा ही डिगेट में चाहिए, डिगेट का फॉर्मूला पड़ा है, ठीक है ना। जो ये डेटा शीट बना है लगभग लगभग सारे फॉर्मूले वही है, बस तरीका नया, करना क्या है उस पर, लॉजिक पर आपको काम करना है, ठीक है। जब हमारा ये नंबर आ गया 202 इस नंबर के आधार पर, ठीक है, तो हम फिर क्या कहेंगे, यहां पर दो कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन, या तो हम ओपीडी नंबर देंगे, यदि हमें नहीं पता है तो ही तो नंबर देंगे ना, ये मोबाइल नंबर कब देंगे हम, जब हमें उसका ओपीडी नंबर नहीं पता है, पता है तो फिर हम मोबाइल नंबर नहीं देंगे। यानी दोनों में से एक चीज यदि हमें पता है, या तो मोबाइल नंबर पता हो या ओपीडी नंबर, सामने वाले ने बोला मोबाइल नंबर नहीं है तो ओपीडी हम देख लेंगे, तो हमने कहा कि दोनों में से कोई भी डाले तो उसका डिटेल आ जाए। तो हम यहां पर अभी तक एक ही बारे में वी लुकअप लगाया हमने, किसके आधार पर, इस ओपीडी नंबर के यहीं पे डाला था हमने, ओपीडी नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। जैसे हमने ओपीडी डिलीट किया है, चला गया, हैज वैल्यू आ गया। तो हम इसको कहें कि यदि क्या हो, इफ इफ यदि क्या खाली हो, ये मोबाइल नंबर नहीं हो, ये नहीं हो, इक्वल ये ब्लैंक हो तो क्या करें, ये ब्लैंक हो तो वी लुकअप किसके आधार पर चले, इस ओपीडी के आधार पर चले, क्योंकि ये नहीं होगा तो ये डालेंगे, ठीक है। नहीं तो वी लुकअप किसके आधार पर चले, कॉमा वी लुकअप इस मोबाइल के डालने से ये आ जाएगा, जब ये आ गया तो इसके आने से ये ला सकते हैं हम, मोबाइल से डिगेट का फॉर्मूले से वैल्यू आ गई। तो यहां पर हम वी लुकअप लगा दें कि लुकअप इसके आधार पर चले, वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू G8 की वैल्यू देखे, कॉमा कहां, टेबल अरे, टेबल अरे कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, इसको आगे का नंबर आप दे देना खुद ही, 12 है तो इसको 12,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4, चौथे नंबर का ही चाहिए, कॉमा
जीरो कोष्टक बंद। याद। अब आपको दो में से एक चीज डालना है, या तो आप मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नहीं है आपके पास सामने वाले के पास तो क्या डालेंगे, उसका ओपीडी नंबर 222। याद। यदि मोबाइल नंबर यहां पर है ये आ गया तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं, दोनों डाल दो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये नहीं है तो आप गलत कर दिया, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये यहाँ दे दिया और यहाँ ये आ गया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ज़्यादा हो गया क्या? चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि शायद ये है इफ का, ये लॉजिकल ही है और ये आसानी से नहीं बना, इसके लिए बार बार प्रयास किया गया कि क्या, हालांकि इतना टाइम भी नहीं लगाया मुझे, मैं इस पूरे को 3 घंटे में बना करके फ्री हो जाऊंगा, 3 घंटे मैक्सिमम टाइम, पर उस 3 घंटा कंटिन्यू बैठने पर कमर दर्द होने लग जाती है, बस इतना था। तो हम आपको चाह रहे हैं कि आप काम करने के हिसाब से प्रिपेयर हो, आपको कोई नया टास्क दिया जाए, क्योंकि सामने वाला आपको क्या बता देगा काम के, हमें क्या चाहिए, वो फंक्शन थोड़ी मालूम उनको, उनको कुछ नहीं आता, हमें अपने तरफ से फंक्शन लगाने होंगे, और यही एक्सेल की विशेषता है कि आप पूरा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो कहेंगे हम इसको। चलिए बढ़े आगे। अब यदि दोनों चीज नहीं है तो है तो अच्छा दिखेगा क्या है, नहीं दिखेगा, तो जो डिगेट वाला फॉर्मूला है इसके पहले हम क्या लगा दें, इफ एरर, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो क्या करें, ब्लैंक छोड़ दे, ये ब्लैंक छोड़ दिया इसने, यहां पर भी क्या करेंगे, इस सब के पहले क्या लगा देंगे, इफ एरर, वैल्यू है तो वैल्यू आई है पूरी वैल्यू, जो दुनिया भर की कंडीशन है, दुनिया भर की कुछ नहीं, दो वैल्यू को लगाया बस हमने, नहीं तो क्या है लास्ट में, ब्लैंक आए, कुछ मत डालो ब्लैंक आएगा। ठीक। अब यहां पर क्या चाहते हैं, पेशेंट के पिताजी का नाम, इस पूरे फॉर्मूले को आप क्या करें, कॉपी, या तो फिर से एक बार लगा लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, या फिर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, डबल क्लिक करके करना है ये काम आपको, ये पेस्ट। अब हम नंबर दें, नहीं गलत जगह दे दिया ना हमने, यहां देना है, सब जगह क्या गया, श्री श्री, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर दो बस, यहां पर क्या दिया था 4, क्या दे देंगे 5, और यहां पर भी 5, एंटर, यहां पर 6, और यहां पर भी 6। ठीक है, आप चाहो कि ये भी चेंज ना करना पड़े और आ जाए तो खुद ही आ जाएगा, इसका वैल्यू आप कॉलम में डाल के रखिए और उसके आधार पर फाइंड करवा दीजिए, कैसे, एच लुकअप से आ जाएगा, उसकी जगह आप एच लुकअप लगा दीजिए, ये वैल्यू जो आएगी खुद ही आ जाएगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा, एच लुकअप, और एच लुकअप में यहां पर आपको एक रो एक्स्ट्रा बना करके चलना पड़ेगा, जो मनमोहन बोल रहे थे ना, मनमोहन वो काम यहां आएगा 1 2 3 4 5, तो उसका कॉलम इंडेक्स नंबर वो उसको जनरेट करके दे देगा, तो वो कॉलम 1 2 3 4 5 वो खुद ही ले लेगा कि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, वो हमने आपके सुविधा के लिए बताया है, दुविधाओं के लिए नहीं बनाया कि आप हमें दुविधा में डाल दो, वो 1 2 3 4 5 वो इसलिए कि बार बार देखना नहीं पड़े, इसलिए बताया है। ठीक है, उसका भी एक और अच्छा ऑप्शन भी है, 1 2 3 भी ना देना चाहें आप तो आप रो अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं उसके, क्योंकि हर रो का अपना नंबर होता है 1 2 3 4 5। यदि हम यहां पर इसका हम रो देखें, यदि आप यहां पर चलाएंगे रो, ठीक है, रो का फॉर्मूला आपने चलाया तो ये बता दिया 15। ठीक है, यदि हम इस रो का फॉर्मूला लेंगे तो क्या आएगा,
ये सेकेंड रो है, थर्ड रो, इसी प्रकार कॉलम है, तो हम 1 2 3 ना देते हुए कॉलम कॉल कर सकते हैं, रो तो नहीं लगेगा इसमें, कॉलम लगेगा 1 2 3, और कॉलम में एक कॉलम माइनस करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था आप ऐसा चेयर नहीं बना सकते, मैंने बोला था कि मैं फास्ट चलूंगा इस मामले में। आपकी जो दुविधा है ना वो चेहरे पे उभर कर आ रही, बोले सर आप समझ में नहीं आ रहा है। किन किन को बात मेरी समझ में आ रही है ईमानदारी बताओ, जो कॉलम वाला मामला बोल रहा हूँ, बस दो रो कॉलम का फॉर्मूला नहीं चलाया आपने? चलो मत भूल जाओ, अभी भूल जाओ, यही नहीं आया तो फिर, और आप कहो कि सर बता दो तुम्हें बता देता हूँ। नहीं कॉलम लगा के नहीं, परसेंटेज कम है ना, दो लोगों को कहने से क्या होगा। चलो पहले इतना सुलझो, इसके बाद वो बता दूंगा आपको। यहाँ कॉलम नंबर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो बार बार जा रहे हैं ना हम। क्या दिया था हमने, 6 तक दे दिया था शायद कि 5, ये 4 था, 5 6 7 आएगा, ये 7, देखो उसका तरीका क्या है कि एक तरीका तो यह है कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, ये कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर 1 है तो यहाँ टाइप कर दिया 1 और यहाँ टाइप कर दिया 2, ये खींच दिया, एक तरीका तो ये है नंबरिंग, ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर दे दिया, ये हमने दे दिया। अब ये जो नंबर दिया था हमने, डबल क्लिक कर रहा हूं मैं, ये नंबर, इस नंबर की जगह हम दे देंगे इंच लुकअप, इंच लुकअप, लुकअप वैल्यू किसके आधार पर फाइंड करें, तो इसके नीचे है वो वैल्यू जो हमें सिलेक्ट नहीं करना दे रहा है, तो हम ऐसे देख लें एफ और 11, तो ये हो जाएगा हमारा एफ 11 की वैल्यू, टेबल अरे, तो इसका टेबल कौन सा है, इसका टेबल है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक उस टेबल के, अब ये कॉलम इंडेक्स है तो ये रो इंडेक्स है, किस रो का वैल्यू दे दे, सेकंड रो का, कोमा 0 कोष्टक बंद, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं डाला है, पर ये चेंज हो गया होगा हमने जब खींचा इसको, तो इंच लुकअप एफ 11 B1 से, और यहाँ आ गया होगा B2 F12, तो इसको लॉक कर देना B1 को, लॉक होगा ना, ये हो जाएगा। अब डबल क्लिक करते हैं, अभी भी नहीं आया, अब कहाँ दिक्कत है, F11 F13, अब ये डेटा तो हमारा वही होगा, नहीं होगा ये डेटा वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें और उसमें अंतर है क्या, नहीं नहीं उससे मतलब नहीं, बाकी वैल्यू तो आना चाहिए ना हमारी, नाम तो आ गया है, जब नाम आ गया तो बाकी चीज भी आना चाहिए, कुछ चेंज हुआ होगा जब हमने इसको खींचा तो जी, ये यहाँ पर भी चेंज हुआ होगा ना, यहाँ B1 से आया है, यहाँ पर B2 से आया है, ये भी लॉक करना पड़ेगा आपको। VLOOKUP में भी फॉर्मूला लॉक होगा, और इसके साथ एक और भी चीज है ना कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर भी चेंज हो रहा होगा ना इसमें, G6 है, हमने कॉपी पेस्ट किया था, यहां पर G7 हो गया होगा, ये देखो, तो G7 में वो वैल्यू थोड़ी ना है ना, जब खींचेंगे तो वो नहीं होगा, तो आप इसको लॉक करके चलिए, G6 के आधार पर सब वैल्यू फाइंड करवाना है आपको, G6 और यहाँ पर G8, बिल्कुल G8, G6 में मोबाइल नंबर, G6 यहाँ पर G6 वी लुकअप में G6 नहीं है, G7 है, नहीं पर ब्लैंक ब्लैंक तो G6 को रखा हमने, ये वाला G7, G7 में मोबाइल नंबर,
मामला सब गड़बड़ हो गया। जी एट में है हमारा, ये सही है, जी एट है, जी एट में ये नंबर है। ये तो हमने गलत डाल दिया है, ये ओपीडी नंबर नहीं है, ये गलत डाल दिया है। सही है, वो हमने नंबर गलत डाल दिया यहाँ पर, ये तो ओपीडी नंबर आएगा ना। है ना, ओपीडी नंबर 201 यानी जो भी हो, या तो ओपीडी नंबर देंगे हम या मोबाइल नंबर देंगे, है ना, इसलिए वो कंफ्यूज कर रहा था। ये देखिए अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, अभी भी श्री श्री आ रहा है। चौथा पेशेंट, आप एच लुकअप का अलग से लगा के देख लेना उसका नंबर, ऐसा भी कर सकते हो आप, इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू सर्च करें, कॉमा टेबल अरे क्या हमारा, टेबल ओपीडी में है, यहां से टेबल को सिलेक्ट करेंगे। एज लुकअप में ये ऐसे चलता है ना, कॉमा रो नंबर 2, 0, तो इसका नंबर आ गया, देखो ये 5, ये 5 की जगह हम यहां दे देंगे जहां एज लुकअप लगाया ना आपने, ये पूरा फॉर्मूला वही है, आप इसकी जगह पर इसका एड्रेस दे सकते हो। सी आ रहा लेकिन 5 में भी वो दोनों जगह नहीं लगा है, यहां भी एच लुकअप लगेगा और यहां भी लगेगा। अब वो सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, रहने दे, शायद आप इसके लिए प्रिपेयर हुए नहीं अभी, मैं एक बार इसको पूरा कर देता हूं, अब प्रिपेयर नहीं हो फिर देखेंगे। इस 4 की जगह भी हमें एच लुकअप लगाना पड़ेगा। आगे सारी वैल्यू बोले सर आप ही सीखे, आप ही समझे, आप ही लेकर, कोई बात नहीं, जितना हो आज करिएगा, कोशिश करना इसको कंसेप्ट को, है ना, क्या फॉर्मूला, इसको पहले गौर से देखिए, है ना, इसका पिक ले लें आराम से, एकांत तो बैठ करके समझेगा कि आखिर भला क्या है, फिर मैं एक बार बताऊंगा। ठीक है, आज का बेसी टाइम हो गया 1 घंटा, कुछ लगा लॉजिक वाला मामला, सिर्फ डबल क्लिक किया मैंने सब आ गया है। यदि इस प्रकार लॉजिक से आप प्रिपेयर हो गए तो काम कर पाओगे, यदि मैंने ये सिखा दिया बता दिया और आपने कर लिया तो किसी काम का नहीं, आपको ये तो आपको खुद करना है तब जाके काम आएगा। ठीक है, बिना बताए करने वाला मामला, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, अब वो स्थिति आ गई कि आपकी हेल्प नहीं करना, आपको तो ये दे दिया जाए कि ऐसा करना है, ये खुद ही करने वाला मामला है। ठीक है,